बड़ी खबर जहां पर कांग्रेस विधायक राकेश पात्री के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पीठासीन अधिकारी ने कराया है कांग्रेस नेता के खिलाफ मामला दर्ज। शासकीय कार्य में बाधा डालने, गाली गलौज सहित अन्य धाराओं में यह मामला दर्ज हुआ है। छाया विधायक राकेश पात्री के खिलाफ मामला दर्ज। आपको बता दें पीठासीन अधिकारी चित्रकांत सिंह ने यह मामला दर्ज कराया। चुनाव ड्यूटी कर रहे पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को गाली देने का भी आरोप लगाया है। जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान का यह पूरा मामला। कांग्रेस विधायक के खिलाफ मामला दर्ज, गाली गलौज और शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित तमाम धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पीठासीन अधिकारी ने यह मामला दर्ज कराया है कांग्रेस विधायक राकेश पात्रे के खिलाफ। और आपको बता दें कि आज जिस तरह से वहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए प्रक्रिया चल रही है, और ऐसे में वहां पर जो कांग्रेस विधायक हैं उन्होंने इस दौरान शासकीय कार्य में बाधा डाला और गाली गलौज भी की। अधिक जानकारी के साथ रोहित कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, यहां पर कांग्रेस विधायक ने शासकीय कार्य में बाधा डाला, क्या वजह थी, क्या पूरा मामला था? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि ये छाया विधायक है राकेश पात्रे, और ये पूरा मामला जो है जनपद उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान हुआ है। छाया विधायक राकेश पात्रे मतगणना स्थल पर काउंटिंग के दौरान जाने के लिए रवाना हुए थे। उस दौरान निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें रोकने और टोकने की कोशिश की, जिसके बाद पहले तो छाया विधायक ने उन अधिकारियों के साथ हुज्जतबाजी की। उसके बाद न सिर्फ गलती बल्कि बस्तर में ट्रांसफर कराने की धमकी भी दी है, जिसके बाद फिर प्रशासनिक SDM जो पीठासीन अधिकारी है उन्होंने लिखित शिकायत कर इसकी जानकारी प्रशासनिक आला अधिकारियों को दी, जिसके बाद सीजी भुतौली थाने में उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, गाली गलौज करने सहित अन्य धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। जी वही रोहित, तो वहाँ के जो पदाधिकारी है कांग्रेस के, उनके क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? फिलहाल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से लेकर जितने भी दिग्गज नेता है कांग्रेस के मुंगली सहित संभाग में, उन्होंने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध लिए है। हमने कई नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इस मामले में कोई प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा BJP भी अभी तक इस पूरे मामले पर चुप है, मौन बैठी हुई है। और जहां तक एक बड़ी बात यहां पर सामने आई है कि जिस वक्त ये पूरा हंगामा हुआ उस दौरान पुलिस के बड़े बड़े दिग्गज अधिकारी वहां पास मौजूद थे, तमाशा दिन देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उस दौरान ना तो उन्हें जिस तरीके से रोकना चाहिए था वैसा रोकने की कोशिश की, और न ही जिस तरीके से कार्रवाई हुई अभी तक फिलहाल कोई न तो गिरफ्तारी हुई है और न ही कोई विपक्ष की ओर से अभी तक कोई शोरगुल या कोई हंगामा किया गया। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए रोहित शुक्रिया आपका। और आपको बता दें कि विधायक पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगा है, मामला दर्ज हो गया है उन पर, और पीठासीन अधिकारी चित्रकांत सिंह ने यह रिपोर्ट लिखाई है, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं। छत्तीसगढ़ के 27 जिला पंचायतों में आज अध्यक्ष